नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भदोही जिले का सबसे फेमस मेला, सबसे फेमस दुर्गा पंडाल गोपीगंज मार्केट में हर साल होता है, इस बार भी होगा। कब मेला होगा, कब भरत मिलाव होगा, कब विजयदशमी होगा, वो सारा अपडेट आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। हमारे साथ चाचा जी जुड़ चुके हैं और आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे कि मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं। स्वागत है चाचा जी। मैं इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जनपद वासियों को नवरात्र की हार्दिक बधाई देता हूं एवं आप सभी को भी नवरात्र की हार्दिक बधाई देते हुए, यह मेला मेरा पूर्वजों के द्वारा लगभग 100-125 वर्षों पुराना मेला है। इस मेले की परंपरा रामनगर के मेले से मिलती जुलती है, जो काशी नरेश जी कराते आ रहे हैं। और इस मेले का विजयदशमी जो है इस साल का 12 अक्टूबर को पड़ रहा है, जो इसी रामलीला मैदान में संपन्न होगा। 14 अक्टूबर को यहाँ का प्राचीन एवं ऐतिहासिक भरत मिलाप बघेल रामलीला समिति के तत्वाधान में बड़ी चौराहे पे और रामलीला मैदान में संपन्न होगा, जिसमें नवयुवक दल द्वारा, मार्केट के नवयुवक दल द्वारा आकर्षण लाग एवं विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भीड़ होते हैं, लगभग लाखों में लोग आते हैं और हर साल ऐसे ही होता है, तो उसको लेकर के जो तैयारियाँ हैं वो कैसे हैं थोड़ा सा बताइए। यहाँ की तैयारी को लेके हम लोगों ने मिट्टी से लेके गड्ढे से लेके सारा नगर पालिका के सहयोग से लगभग कार्य पूरा कर लिया है। सुरक्षा के लिए हमने एसपी महोदया से और यहाँ के एसओ से, सीओ साहब से मिलकर उनको पत्रक दे दिए हैं, और एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, सभी को हमने पत्रक दे चुका है। सुरक्षा, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था के लिए जो हमको सरकार शासन द्वारा मिलता आया है हर साल, इस वर्ष भी उस लगे हुए हैं सभी लोग, सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है और यहाँ के नगरवासी जो इस नगर में निवास करते हैं उनका सहयोग मुझे विगत मेरे परिवार को काफ़ी वर्षों से मिलता आ रहा है, जिसके कारण से ये मेला सफल होता आया है। देखा जाए इस ऐतिहासिक मेला में बहुत सारे झूले वगैरह आते हैं और इस मैदान में लगते हैं, तो झूलों के लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं या क्या कुछ अपडेट हैं? देखिए भाई साहब, ये मेला ऐसा कुछ नहीं है, झूले वाले अपना परमिशन करा के सब कुछ उसका फिटनेस वगैरह करा के अग्निशमन से लेके फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी रहती है, सारे सुरक्षा के मद्देनज़र इस मेला का आयोजन होता है। और रही बात भाई घटना दुर्घटना की, तो ऐसी कोई बात नहीं, प्रभु की लीला है, आज तक यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। गोपीगंज नगरवासी, जनपद नगरवासियों की तरफ से इस मेले में सहयोग से कभी कोई ऐसा न हुआ है, न भगवान आगे कुछ होगा। और हमारी तरफ से, पूरी नगर पालिका की तरफ से पानी का टैंकर, अग्निशमन, सारी व्यवस्था शासन की तरफ से, और इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश और प्रदेश में है, लिया जाए, इस वजह से ये मेला और अच्छे ढंग से संपन्न होगा। चलिए, तो ये थी जानकारी आप लोगों को। और आप लोग जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कब यहाँ का ऐतिहासिक जो मेला होगा वो कब होगा, भरत मिलाओ विजयदशमी कब होगा, तो चाचा जी बताया कि कब क्या है अपडेट और कब मेला स्टार्ट होगा, वो सारी जानकारी इन्होंने दिया। और ये देखिए इधर पूरा जो ये काम है, जो इसकी तैयारी है रामलीला मैदान में, ये पूरा हो रहा है क्योंकि रामलीला इस समय स्टार्ट है, रामलीला तो स्टार्ट होगा इस समय। जी भाई साहब, असल में आज 5 दिनों की रामलीला आज तक की वो बाबा बड़े शिवनाथ पे होती, कल यहाँ लंका दहन का मेला होना है, उसके बाद अंगद रावण संवाद है, फिर लक्ष्मण शक्ति है, 12 तारीख को मेरा विजयदशमी का पर्व है। अच्छा, भरत मिलाव के बाद ये मेला कब आखिरी होता है, संपन्न कब होता है? उसके अगले दिन 14 को मेरा भरत मिलाप है, 15 तारीख के शाम तक ये मेला समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, वो क्या होता है, एक सीता माता का कोई नहीं, सीता शपथ का मेला वो दशहरे के अगले दिन 13 तारीख को है। अच्छा, उसमें इस रामलीला परिसर में सिर्फ महिलाओं का ही प्रवेश रहता है, 14-15 साल तक के ऊपर के बच्चों का प्रवेश रोक दिया जाता है। महिलाएं इस कैंपस में केवल शाम को 3 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक इस कैंपस में सिर्फ महिलाएं ही देखती हैं, जो कि सीता जी द्वारा अग्नि शपथ का मेला शपथ लिया जाता है, उसके तहत ये मेला का आयोजन है, माताओं बहनों के लिए ग्राउंड आरक्षित रहता है। चलिए चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा परिचय अपना बता दीजिए। परिचय, मैं अखिलेंद्र सिंह बघेल, बघेल रामलीला समिति का प्रबंधक हूँ और जिले में भारतीय जनता पार्टी का जिले का मंत्री हूँ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। मैं गोपीगंज बघेल छावनी निवासी हूँ, मेरा मकान यहीं पे है गोपीगंज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाचा जी। और आप देख सकते हैं अभी हम उसी ग्राउंड में है जहाँ पे रामलीला होता है, जहाँ पे भरत मिलाव संपन्न होता है, और यहीं पे रामलीला होता है, यहीं पे जो विजयदशमी का मेला होता है यहीं से स्टार्ट होता है। आप लोग आइए और इन्जॉय करिए मेले में।
बाकी आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग भी इस बार मेले मार रहे हैं या नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करिए। चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।